सो गाइस कैसे हैं आप सभी। तो गाइस मतलब आपने भी बचपन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ किया होगा और हमने भी बहुत ही गलतियाँ किया है बचपन में। तो गाइस मतलब हम लोग क्या करते थे, हमारे पास चप्पल होते थे पाँव में पहनने के लिए, लेकिन दोस्तों घर पर वो छोड़कर खेलने की वजह से हम लोग घर पर छोड़कर वो फिर चप्पल चल जाते खेलने के लिए। तो क्या होता था मतलब जब जो हाईवे होता है, जो सड़क होती है मतलब पिच होती है, उस पर हम लोग जब चलते थे तो इतना ज़्यादा मतलब हीट होता था वह सड़क की, हम लोग का पाँव जलने लगता था। तो क्या करते थे मतलब उस समय हम लोग दूब पर चलना पड़ता था, साइड साइड जो दूब होता है सड़क के किनारे किनारे उस पर हम लोग चलते थे, तो उससे मतलब राहत मिलती थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों मतलब उस समय मतलब हम लोग बचपना थी, तो मतलब खेलने की वजह से हम लोग सब घर पर छोड़ देते थे, मतलब खेलने की वजह से कुछ भी नहीं देखते थे उस समय। तो गाइस मतलब आज हम वही चीज़ का मतलब ट्राई करने वाले हैं, आज तो मतलब चप्पल बनाने वाले हैं और भी कार्टून का चप्पल बनाने वाले हैं। मतलब कार्डबोर्ड जो आता है जो आपको कहीं भी मिल जाएगा किसी भी दुकान पर, वो कार्टून मिल जाएगा, तो मतलब उससे दोस्तों आज हम चप्पल बनाने वाले हैं और सब बहुत ही शानदार चप्पल बनाने वाले हैं। देखते हैं कि वो चप्पल हम लोग बनाते हैं तो कैसा दिखता है और मतलब चलता है नहीं। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और मस्त और मजेदार देखेंगे। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर है हमारे पास कार्टून मतलब कार्डबोर्ड, और तो चलिए इसको हम अपने चप्पल के साइज से इसको हम चिन्ह लगा कर उसके बाद उसको कटिंग करते हैं इसको, उसके बाद हम दो कटिंग कर लेंगे, उसके बाद जो चप्पल का जो फीता होता है उसको हम बनाएंगे। तो चलिए पहले इसको कटिंग कर लेते हैं दोस्तों चिन्ह करने के लिए हमारे पास दोस्तों हम, और इस चप्पल को चलिए इस चप्पल के साइज से हम दो टुकड़े कर लेते हैं इस कार्डबोर्ड को। तो यहाँ पर हम आधा आधा इसको दो टुकड़े कर लेते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड का एक पीस काट लिया है और चलिए इस चप्पल के साइज से हम इसको कटिंग करते हैं। यहाँ पर हमारे पास चाकू है और हमने जो हम पेन लाना भूल गए, तो यहाँ पर हमने सोचा था कि इसमें पेन में रिफ़िल होगी, तो इसमें रिफ़िल नहीं है, तो इसीलिए दोस्तों हमको जुगाड़ से काम चलाना पड़ रहा है। और हमारे पास यहाँ पर चाकू है, तो चलिए चाकू से इसको अच्छे तरीके से कट करते हैं, मतलब चीना लगाते हैं उसके बाद कट करेंगे। चलिए इसको आसानी से इसको चीना लगा लेते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर चीना लगा दिया एक चप्पल के साइज का, मतलब दोस्तों हमने यहाँ पर चीना कर दिया है। चलिए इसको काट लेते हैं, हम उसे काट लेते हैं इस चाकू की सहायता से हम काट लेते हैं इसको। तो गाइस हमने यहाँ पर एक चप्पल का जो टुकड़ा होता है उसको दोस्तों हमने यहाँ पर काट लिया है, तो चलिए एक और काट लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम इस जो चप्पल का फीता होता है उसको बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और काट लेते हैं हम इस कार्डबोर्ड की सहायता से। तो दोस्तों हमने यहाँ पर चप्पल का दो साइज काट लिया है और यहाँ पर परफेक्ट हम लोग चप्पल से मतलब यहाँ पर काट लिया है दो साइज, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और हमारा यहाँ मतलब हमारा जो नापी होता है वहाँ पर हमने दोस्तों मतलब चप्पल के दो साइज काट लिया है। और दोस्तों चलिए इसका मतलब जो फीता होता है इसको बनाते हैं। तो गाइस मतलब फीता बनाने के लिए हम यहाँ पर जो कार्डबोर्ड होता है उसको दो भागों में काट लेते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर दोस्तों चप्पल के जो फीता होता है उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो कार्डबोर्ड को यहाँ पर काट लिया है। और चलिए इसको हम यहाँ पर इस तरह थोड़ा सा कट करेंगे, जो बीच का जो होता है जो जो अंगूठा में यहाँ पर लगता है उसको हम थोड़ा सा कट कर बना लेते हैं। दोस्तों मतलब हम लोगों ने फीता बनाने के लिए यहाँ पर इसके इस तरह मतलब जो फीता होता है उसको कट कर लिया है और इसको बीच में से थोड़ा सा हम कट कर लेते हैं, इसको फाड़ मतलब फाड़ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर इसको कट कर दिया, इधर से भी एक कट कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब इधर मोटापा ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसका जो चप्पल का फीता होता है हमने दोस्तों यहाँ पर बना दिया है और इसको लास्टिक देने के लिए मतलब लचापन देने के लिए इसको हम जो कार्डबोर्ड होता है इसको मोड़ देते हैं आसानी से, कि मतलब यह किधर भी हो तो यह टूटे मतलब टाइट कड़ापन ना हो। और हमने मतलब इसको चप्पल को जो फीता एकदम ढीला होता है हमने इसको ढीला बना दिया है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एकदम इसका चप्पल का लुक यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग हमने मतलब यहाँ पर चप्पल का लुक दिखाई दिया है आपको। और चलिए दोस्तों एक और इसका मतलब जो फीता होता है इसको बना लेते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर दो फीता तैयार हो चुका है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और हमारा मतलब चप्पल में चलिए इसको यहाँ पर जो बीच में थोड़ा सा छेद कर देते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा छेद करेंगे कि जो यहाँ पर जो अंगूठा में जो लगता है उसको हम आसानी से इसके अंदर डाल सकें। और हमने यहाँ पर इसको बहुत आसानी से छेद कर दिया है और इसको चिपकाने के लिए हमने यहाँ पर फेवकिक लाए हैं, तो फेवकिक से चिपका देते हैं इसको। चलिए चिपकाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं मतलब यहाँ पर एकदम परफेक्ट चप्पल का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लग रहा है एकदम। तो दोस्तों यहाँ पर एकदम ओरिजिनल चप्पल का लुक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा।
तो हमने यहाँ पर जो नीचे का होता है उसको फेवकिक से हम यहाँ पर इसको चिपका दिया, यहाँ पर बहुत ही मजबूत हो चुका है यहाँ पर। और चलिए इसको भी चिपका देते हैं यहाँ पर, हम थोड़ा थोड़ा जो होल कर देंगे इसके अंदर तो मतलब मजबूती मिल जाएगी इस चप्पल को। तो हम इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर होल कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम ओरिजिनल चप्पल जैसा, ये अभी हो चुका है, अभी मतलब ये तो ओरिजिनल चप्पल है ही। और सो यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड से बहुत ही एकदम सिंपल चप्पल बना दिया आपको, और यहाँ पर पहनने लायक हो चुका है आपको, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और सो यहाँ पर हम पहन रहे हैं, मतलब यहाँ पर टूटने लायक सवाल नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसको हम बहुत ही अच्छे से फेवकिक से चिपकाए हैं। और चलिए एक और हम चिपका के मना लेते हैं। गाइस चलिए इसको भी चिपका लेते हैं। और सो यहाँ पर हमने इसके अंदर होल कर दिया है चप्पल के, जो यहाँ पर जो अंगूठा जो लगता है वहाँ पर हमने दोस्तों यहाँ पर होल कर दिया है। और इसके अंदर मतलब यहाँ पर फिफकिक से बहुत ही आसानी से बहुत ही मजबूत तरीके से चिपका देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत शानदार, यहाँ पर बहुत मतलब मजबूत मतलब चिपक चुका है। और चलिए एक और मतलब यहाँ पर जिस तरह हमने इसको चिपकाया है उस तरह भी इसको भी चिपका लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे इसको टेस्टिंग के लिए ले चलेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने एकदम ओरिजिनल चप्पल बना दिया है। और चलिए इसको टेस्टिंग करते हैं, चलाते हैं, मतलब पहन कर चलते हैं, देखते हैं तो मतलब चलता है तो टूटता वटता तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये चप्पल तो टूटता नहीं है, या मतलब कार्डबोर्ड का है तो आग से मतलब जो जलता है जो पिच पर पैर उससे बचा सकता है। चलिए इसको पहन कर टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर हम ओरिजिनल चप्पल को छोड़कर हम यहाँ पर अपना बनाया हुआ चप्पल पहनते हैं। और चलिए इसको चलते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर चप्पल बना दिया है और चलना बहुत ही मजा आ रहा है इसको मतलब पंख चलने में। और इसमें मतलब लग रहा है कि हम जमीन पर चल रहे हैं उस तरह हमको मजा आ रहा है चलने में। और यहाँ पर हम चल रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही मतलब बहुत ही शानदार चलने में मजा आ रहा है, क्योंकि दोस्तों हम जब चल रहे हैं तो हमको लग रहा है कि हम जमीन पर चल रहे हैं उस तरह हमको मालूम चल रहा है। और वो मतलब हम जब ओरिजिनल चप्पल पहनते थे तो वहाँ पर लग रहा है कि मतलब उसको मतलब चप्पल लगता है कि पहनते हैं, यहाँ पर हमको नहीं लग रहा है कि हम चप्पल पहने हुए हैं अपने पाँव में। तो गाइस हमने आपको दिखा दिया कि कैसा चप्पल बनता है कार्टून का, और हमने बना कर आपको दिखा दिया। और हमने यहाँ पर पहने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और सो बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा है चीज़ को पहन के चलने में। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मतलब इंटरेस्ट आएगा वीडियो में, तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे और मस्त और मजेदार चलेगा, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।